हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपा और मेरे चैनल का नाम है स्टाइल बाय कॉर्नर दीपा। और मैं आपको आज नया वीडियो लेकर फिर आ गई हूँ। और मैं आज आपको वीडियो में बालों से जुड़ा वीडियो लेके आई हूँ, जिससे मैंने पहले भी डाल दिया ये वीडियो। और मैं इस टाइम पर केश किंग ऑयल का रिव्यू लेके आई हूँ, जो मैंने पहले डाला था। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पहले वाले वीडियो में मिल जाएगी। और ये केश किंग ऑयल स्कैल्प एंड हेयर मेडिसिन है, आयुर्वेदिक ऑयल है। इसमें 21 जड़ी बूटियां डली हुई हैं। इसमें आंवला, शिका, काई और मेथी डली हुई है, और भी हर्बल्स चीज़ें डली हुई हैं। और ये आपके बालों को बहुत फ़ायदा करता है और आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं इससे। और मैंने अपना पूरे वीडियो में, यानी कि पूरे उस पहले वाले वीडियो में, मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि आपको इसको कैसे लगाना है और कैसे बालों में आपको फ़ायदा करेगा, किस टाइप में लगाना है, ये सब कुछ मैंने बता दिया। ये बहुत अच्छा ऑयल है, हर्बल ऑयल है, और आपके बाल झड़ रहे होंगे तो इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये अपने बाल पर स्वयं लगाया है। ये मेरी दूसरी शीशी है और मैंने इसके बारे में पहले भी डाल दिया है सब कुछ। और ये मेरे मिनी हेयर्स ग्रोथ होने लगे हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटे छोटे आपको दिखाई नहीं देंगे, और आने लगे हैं। और आपके बाल झड़ रहे हो तो आप ये ज़रूर लगा के देखिएगा। लेकिन बहुत से लोगों का कहना रहता है कि हमें सूट नहीं करता, तो इसका कारण ये रहता है कि आपके खाने पीने में आप उतनी अच्छी चीज़ें नहीं खाते, हेल्दी चीज़ें जो आपको फ़ायदा करें। ये इसमें तेल की गलती नहीं रहती है, आपकी भी गलती रहती है कुछ, कि आप खाने पीने में उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उसके कारण हमें अनहेल्दी खाना मिलता है, तो इस कारण भी बाल झड़ने लगते हैं। ये ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है, मैंने अपने बालों पे लगाया है और मेरे बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए हैं। मेरे बाल पहले से बहुत पतले हो गए थे, लेकिन अब मेरी बालों की धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी और थोड़े थोड़े मिनी हेयर्स निकलने लगे हैं। और ये मेरे बालों को बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। और लोग बाग कहते हैं कि ये ऑयल अच्छा नहीं है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि ऑयल की कोई गलती नहीं थी इसमें, तो सब हर्बल्स चीज़ें डली हुई हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें डली हुई हैं, आयुर्वेदिक विधि से ये बना हुआ है। 21 हर्बल चीज़ें डली हुई हैं, आपके बालों को हेयर में नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आपको लगता है कि नुकसान करेगा तो कुछ गलती आपकी भी होती है, सभी गलती हेयर ऑयल की नहीं होती है। बहुत से हेयर ऑयल बालों में साइड इफ़ेक्ट्स भी करते हैं, लेकिन उसमें हर्बल चीज़ें नहीं रहती हैं, गलत इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, और उसमें तो अच्छी चीज़ें हैं, सभी हर्बल्स हैं, तो इसे इन बालों में नुकसान करेगा ही नहीं। और इसके देखिए आप, आयुर्वेदिक चीज़ें डली हुई हैं पूरी, कि आपके बालों को बिल्कुल भी गलत नुकसान नहीं करेगा। और ये डॉक्टर द्वारा एक्सपर्ट, हेयर एक्सपर्ट द्वारा प्रमाणित है, ये इंडिया का नंबर वन ऑयल भी है, लिखा है इंडिया नंबर वन ऑयल। और ये आपके बालों को बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, इससे आपकी बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और आपके बाल टूट रहे हो, झड़ रहे हों, तो झड़ना बंद होंगे। आपके बालों में अगर डैंड्रफ हो रही तो डैंड्रफ भी बंद होगी। मेरे बालों में हल्की हल्की डैंड्रफ हो रही थी, क्योंकि विंटर्स पड़ रहे, तो विंटर्स में डैंड्रफ हो ही जाती थी, लेकिन मैंने ये हेयर ऑयल लगाया था, बिल्कुल देखिए मेरे स्कैल्प पर बिल्कुल डैंड्रफ नहीं है। और मेरे बाल भी देखिए कितने अच्छे शाइनी लग रहे हैं। और ये मैं यही तेल यूज़ कर रही हूँ, मैं इसे रात के टाइम लगाती हूँ और सुबह सिर धो लेती हूँ। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप रात को नहीं लगा पाते, तो आप सुबह इसे 1 घंटे के लिए लगा लीजिएगा या 2 घंटे के लिए लगा लीजिएगा, और आप बाल धो लीजिएगा। इसके अच्छे परिणाम चाहते हैं तो हफ्ते में आप तीन बार लगाइएगा, तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ लगाइए, ये तेल ऐसा नहीं कि आप रोज़ लगाइए तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नहीं, आप हफ्ते में 3 बार लगाइएगा तो आपको बहुत अच्छे, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, तो आप भी कहोगे कि हाँ मेरे बाल झड़ने बंद हुए हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, मैंने ये खुद अपने बालों पे यूज़ किया है। और मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है जो मैं आई बटन पे लगा दूंगी। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला है उसमें मैंने पूरा इसका किस टाइप में लगाते हैं और कैसे क्या करते हैं, ये मैंने पूरा दिया हुआ है उसके अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वो ज़रूर वीडियो देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। और ये नेचुरल ऑयल है, तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इसमें कोई से ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपके बालों को नुकसान करें या आपके बालों को हार्म करें। ये हार्मफुल ऑयल नहीं है,
ये बहुत अच्छा ऑयल है और बहुत अच्छे से काम करता है। मेरे बाल तो बिल्कुल झड़ना बंद हो गए, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, विंटर्स लग गए थे तो बाल मेरे बहुत झड़ रहे थे। पहले इससे पहले मैं दूसरा ऑयल यूज़ करती थी लेकिन मेरे बाल झड़ने लगे तो मुझे ऑयल चेंज करना पड़ा था, इसके वजह से मैंने ये लगाया तो मेरे बिल्कुल बाल बिल्कुल झड़ना बंद हो गए और मेरे बालों की ग्रोथ होने लगी और नीचे से देखिए नीचे बढ़ने लगे बाल और नीचे मुझे बल्कि बाल कटवाने पड़ेंगे, इतने नीचे बाल आ गए। और हमारे बाल वैसे भी साल भर के अंदर बढ़ते हैं, आपको पता होगा, तो साल भर के अंदर इतने बाल बढ़ते हैं लेकिन मेरे 1 मंथ में ही इतने बाल बढ़ गए हैं और मुझे बहुत खुशी है। और मेरे जो मिनी हेयर्स निकले हैं वो भी मेरे बढ़ रहे हैं। और जल्दी, आपको पता है अगर आप कोई चीज़ लगाते हो तो आपको पता होगा कि हेयर्स की जल्दी ग्रोथ नहीं होती, बहुत टाइम लगता है हेयर ग्रोथ होने के लिए, लेकिन ये ऑयल ऐसा है इससे बहुत जल्दी बालों की हेयर ग्रोथ होती है और बाल झड़ना भी बंद होते हैं और आपके बालों में जो स्कैल्प में जो प्रॉब्लम हो वो उससे भी निजात मिलती है। और इसकी आप मसाज करोगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और आप अगर सोच रहे हो कि ये ऑयल ख़राब है तो ये ऑयल ख़राब नहीं है, आप अपना खान पान बदलिए और अच्छी चीज़ें खाइए और जंक फूड मत खाइए तो आपको ये ऑयल ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा करेगा। और आपको ये ऑयल फ़ायदा नहीं करता है तो आप चाहते दूसरा ऑयल बताऊँ तो मैं, आप ममा अर्थ का ऑनियन ऑयल ले सकते हो, वो भी फ़ायदा करता है। मैं उसे 100% तो नहीं बताऊँगी, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि है ना कि आपने 100% बताया और हमें फ़ायदा ही नहीं कर रहा और कुछ नहीं हो रहा, तो मैं आपको 60% बता सकती हूँ कि आपको 60% जरूर से ज़रूर फ़ायदा करेगा और आप अनियन ऑयल लगाते हो मामा अर्थ का। वैसे तो ये बहुत अच्छा ऑयल है और मैं इसका रिव्यू ऐसा नहीं दे रही हूँ कि मैं इसके लिए कुछ पैसे लिए या मैंने कुछ करा है, नहीं, इसका रिव्यू मैं अपने खुद से यूज़ करने के बाद कह रही हूँ। मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे तो मैंने इसे लगाया है तो फिर मैंने आपको बताया है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को लगाया ही नहीं है, अपने बालों में लगाया नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे इसके पैसे में ऐसे नहीं मिल रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से इसका वीडियो बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बालों पर जो इसका असर पड़ा है वो मैं चाहती हूँ कि आपके बालों पर भी इसका असर पड़े और आपके बाल झड़ना बंद हो जाए। जो लोग बताए इसकी बालों की समस्या से बहुत परेशान है उन लोगों के बाल भी झड़ना बंद हो जाए। बहुत से लोग बताए बहुत महंगे महंगे ऑयल लगाते हैं और कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, तो ये ऑयल ऐसा है इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे और आपके बालों को हार्मफुल नहीं करेगा। अगर आपको मुझे मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपका अगर इसका पूरा वीडियो देखना है तो मैंने आई बटन पे इसका वीडियो लगा दिया है, आप इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं कि इसे कैसे लगाना है, क्या करना है और ये इसके अंदर किस टाइप में ये बोतल आती है, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए और वॉच कीजिए और मेरा वीडियो इससे आगे बढ़ेगा तो आपकी हेल्प के बिना ये नहीं हो सकता है। और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट, बाय बाय।